जनरली हम नेशनल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने सोचा कि हमें रीजनल मीडिया से भी बात करनी चाहिए और इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी लोग हैं जो, जैसे रणदीप ने बोला, सबको चांस तो नहीं मिलेगा, मगर हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिले। कोरोना वायरस की सिचुएशन आप सब जानते हो, देश में जो हालत है वो आपके लिए, आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है। कुछ दिन पहले सरकार ने स्टेप्स लिए और मैं इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। देखिए, पूरा देश कठिनाई में है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। जब बच्चों को चोट लगती है तो माँ जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है, माँ जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं, जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनके उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़फ रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये एक मेरा मेन मैसेज था, राजनीतिक मैसेज नहीं है, क्योंकि मैं ये इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हमने, देखिए, जब माँ अपने बेटे को पैसा देती है उसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण प्यार होता है, कि माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। और फिर दूसरा कारण होता है, बच्चा माता और पिता का भविष्य भी होता है। ये जो लोग आज तड़प रहे हैं, ये जो लोग आज सड़क पे भूखे प्यासे चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे माता पिता हैं, इनको हमें पूरा समर्थन करना है। और सिर्फ सरकार को नहीं, मैं आपको, रिपोर्टर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खड़े हुए और आपने जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है, हाईवेज पे हो रहा है, वो आपने पूरे देश को दिखाया। तो आपने भी ये अच्छा काम किया। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सबको एक साथ काम करना है। मगर मैं विनती करता हूं कि आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए। और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। और मैंने सुना है कि पैसे ना देने का कारण रेटिंग्स की बात है। कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसिट बढ़ा दिया तो जो बाहर की एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान की रेटिंग डाउन कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं कि हमारी जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान बनाती है, हमारी जो रेटिंग है उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बिग बिजनेस वाले बनाते हैं।
आज उनको हमारी जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए और इनको एकदम आप पैसा दीजिए और फिर देखिए जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग में। हमें हिंदुस्तान के दिल को देखकर डिसीजन लेना है, विदेश को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। इंडिया इज इन अ क्राइसिस एंड एवरीबॉडी इज इन अ क्राइसिस। स्मॉल बिजनेसेस आर इन अ क्राइसिस, दे आर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। फार्मर्स आर इन अ क्राइसिस, लेबरर्स आर इन क्राइसिस एंड आवर पीपल, इट इज हार्ट ब्रेकिंग टू सी आवर पीपल, मिलियंस ऑफ आवर पीपल वॉकिंग ऑन द हाईवेज विद नो फूड नो वॉटर। आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ पोलिटिकल स्टेटमेंट बट आई हैव ए सीरियस रिजर्वेशन अबाउट द नेचर ऑफ द पैकेज दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन एंड आई वुड लाइक द गवर्नमेंट टू रिकंसिडर। इट इज गुड दैट दे हैव टेकन दिस स्टेप, इट्स नॉट अ बैड स्टेप, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज दैट वी पुट मनी डायरेक्टली इन टू द हैंड्स ऑफ आवर पुअर पीपल। व्हेन अ चाइल्ड हैज एन एक्सीडेंट और गेट्स हर्ट, द मदर और द फादर डू नॉट गिव हिम अ बैंक लोन, दे डू नॉट गिव हिम क्रेडिट। अ मदर इज रेडी टू गिव व्हाटएवर फूड शी हैज टू हर सन और हर डॉटर एंड दैट इज द स्पिरिट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इंप्लॉय। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट वरी अबाउट वॉट द फॉरनर्स आर गोइंग टू से, वॉट द एजेंसीज आर गोइंग टू से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव फेथ इन आवर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, शुड हैव फेथ इन आवर पीपल, इन आवर फार्मर्स, फेथ इन द पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड इमीजिएटली गिव देम मनी इन देयर पॉकेट विदाउट ए सिंगल थॉट। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस, बिकॉज इफ वी डू नॉट सपोर्ट आवर स्मॉल बिजनेसेस नाउ, if we do not support our farmers now, if we do not support our migrants now, our economy will not start. And if our economy does not start, the question of ratings does not arise. So I would like to ask the government, and with all respect, I would like to ask the Prime Minister to think about putting money directly into the bank accounts of our people. In the Congress party, we had an idea called Nyay. Do Nyay temporarily. Don't do it permanently. Do it temporarily. But please start putting money into the small businesses, into the farmers, into the migrants' bank accounts. Because if we do not, we will have a catastrophic result. What is going to come if we do not do that is going to be much worse than what we have seen. It is going to overshadow the disease of COVID. So that is my main message. I'd like to say two other things. One, there have been numerous tragedies. There have been tragedies where people have died. And I would like to offer my condolences to all those people, those families who have lost loved ones. And finally, one point about the lockdown. The lockdown is not a simple thing. When we open the lockdown, we will have to open the lockdown and we will have to make a transition. It is very important that we open the lockdown intelligently and carefully without sacrificing the vulnerable people. We cannot sacrifice our old people. We cannot sacrifice our people who have diabetes, heart disease, hypertension, kidney disease. We have to protect them. And it is the primary duty for everybody to do that. Hindi mein bhi ye aakhri baat bol deta hun. Jahan tak lockdown ka sawal hai, lockdown ek on-off switch nahi hai. Lockdown ko samajhdari aur hoshiyari se hume lift karna hai. Dhyan se lift karna hai. Ye ek event nahi hai, ye ek process hai aur isko hume dhyan se, hoshiyari se aur samajhdari se lift karna hai.
और सबसे जरूरी बात, जो हमारे वनरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो लंग डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा हमें कर कर ये लॉकडाउन हटाना है। तो ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था। अब आप कोई भी सवाल पूछे। धन्यवाद। जो बात आपने कही, सबसे पहले सवाल वही है कि जिस तरीके से जब अर्थव्यवस्था गोटा लगाने लगी, तब केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। 3 फेजेस में ये पैकेज जो है वो दिए भी जा चुके हैं, लेकिन तमाम सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि अगर ये लोन देने की बजाय जो पिछला लोन था उसको माफ करते तो ये शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि लोन दे रहा इंडस्ट्री चलेगी, जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ करेंगे। एक सबसे बड़ी वजह वो है और आपने वो बात कही भी। दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होता कि 20 लाख करोड़ को राज्यों को दे देते और वो अपनी सुविधा के अनुसार से जिसको जितनी जरूरत होती उतना पैसा वो देते खुद? देखिए, आपने जो डिमांड की बात बोली वो बिल्कुल सही बात है। ये जो कोरोना का प्रॉब्लम है, ये अजीब सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें दोनों साइड पे प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में डिमांड का प्रॉब्लम होता है या सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बंद पड़े हैं। तो इसमें आपको सरकार को दोनों डिमांड और सप्लाई को एक साथ स्टार्ट करना है। इस पैकेज में कर्ज की बात की है, मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली, डिमांड शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में बोला कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और उसमें एक डिमांड फायर करने का एक सेक्शन डालना चाहिए। उसमें न्याय जैसी योजना हो, आप उसको दूसरा नाम दे दीजिए, मगर डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, डिमांड को फायर करने के लिए उसमें पैसा देने की जरूरत है। और अगर हमने पैसा नहीं दिया और डिमांड नहीं चालू हुआ तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान देश को होने जा रहा है। पैसा जनता के जेब में आना चाहिए, क्योंकि जब जनता के जेब में जाएगा तो ही डिमांड क्रिएट होगा। वो मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है कैसे पहुंचाना है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर वो नेशनल गवर्नमेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मगर मेरा कहना है कि बहुत जरूरी है कि गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाए। Actually, the package announced by the center, that is mainly loan-based, and they are saying that this is to increase the infrastructure in a long-term basis. Also, they are coming up with structural reforms. So, do you think that these measures will help? Because immediate cash transfer is what you ask. But do you think long-term measures like infrastructure development is also needed? As I am from Kerala, though Mr. Randeep Surjewala said that only one question can be asked. Now, can I also know about your opinion about the Kerala model of tackling coronavirus, especially the situation in Wayanad, because your party is also at loggerhead with the government there? As I am a member of parliament from Kerala, I will answer your Kerala question as a special request. First point, the most important thing right now, as I stated, is to fire demand, to start the demand and the supply. And for that, we need to give money directly to people. Absolutely, infrastructure is key. Absolutely, we have to think about these things. But right now, the priority is putting money directly into the hands of the people. It's like when you want to start an engine, you have to put fuel into the carburetor. If you do not put fuel into the carburetor, you turn the key, nothing will happen. My worry is that when the engine starts, there will be no fuel in the carburetor, it will not start. Then we will have a very serious problem. Going to your Kerala question, look, Kerala has a history of success in healthcare and education. And this is something that has been going on for many years. It is there
It has been the case during UDF and during LDF. And I think it is credit to the people of Kerala that they put an effort and value these fundamental things. So I would call this success against coronavirus a success of every single person in Kerala. And I think it is a tremendous, tremendous success of all Keralites. And it is an example for others. राहुल, मेरा सवाल ये था कि पिछले कुछ दिनों से जो भी वारदातें हो रही हैं, दुखद घटनाएं हो रही हैं, सभी खास करके जो मजदूर है, माइग्रेंट लेबर से, चाहे गुजरात से हो या अलग अलग स्टेट से, आपको लग रहा है कि अलग अलग जो स्टेट है उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है? चाहे गुजरात से मध्य प्रदेश हो, गुजरात से राजस्थान हो, गुजरात से महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र से और स्टेट हो, और क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कभी सरकार से सलाह मशवरा किया? आज हिंदुस्तान के सामने बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है। ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो लेबर की बात है, ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, तो मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं, इनकी मदद हम सबको करनी है। सिचुएशन ये है कि बीजेपी सरकार में है और उनके हाथ में सबसे बड़े औजार हैं, तो उनको उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम ऑपोजिशन में, हमारा भी काम है, हमारा संगठन है, हमारा भी काम है, और जॉइंटली एक काम सबको करना पड़ेगा। स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह सकती है, मगर उसको रिजॉल्व करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया मध्य प्रदेश और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो बात छोड़िए, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो आंधी आने वाली है, क्योंकि आने वाली है, वो जो चैलेंज है उसको हम एक साथ मिलकर कन्फ्रंट करें। माइग्रेंट इशू इज ए बिग इशू इन इंडिया एंड असम इज आल्सो नो एक्सेप्शन। सो लाख्स ऑफ पीपल फ्रॉम असम दे आर स्ट्रैंडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। सो व्हेदर व्हाट डू यू थिंक व्हेदर द गवर्नमेंट ऑफ असम एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग एप्रोप्रिएट स्टेप, दे आर डूइंग प्रॉपर्ली to evacuate the people from those places to their home states? As I already mentioned, it is a very challenging job. There might be discrepancies, but I don't want to raise or finger point about the discrepancies. This is not the time or the place. Whenever something like this happens, it is easy to point fingers. I don't want to do that. But our people are in pain. They are struggling. Millions of people are walking towards their homes. And it is our duty as the opposition, it is the duty of the government of India and all of us to protect them, to help them. And so I think the spirit should be one of trying to do as much as we can to make their life easier. And I think it is fundamental that we give direct money to them. It is very important that we get at their most difficult time in their life. They are not going to have a more difficult time than this. It is important that we are holding their hand and that they understand and that they believe that India is holding their hand and India is not going to let them down. And I commend my friends in the media for showing the tragedy that is unfolding, because if you had not shown the tragedy that is unfolding, we would not be able to build the type of pressure that we are building. जो हालात है उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी का कोई एक्शन प्लान है आपकी नजर में? आपने किराए को लेकर जरूर पहल की सोनिया जी ने, लेकिन क्या किराया काफी होगा, क्योंकि लोग तो पैदल चल रहे हैं? जी नहीं, हमारे स्टेट्स में हम पूरी तरह सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्टेट्स में हम डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार डायरेक्टली पैसा दे रही है। हम मनरेगा पे फोकस कर रहे हैं, मनरेगा को हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी है। जहां तक अर्ली वार्निंग की बात है, मैं सच है कि मैंने ये बात फरवरी में उठाई, मगर देखिए अब ये कहना उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसने उठाई, कब उठाई, क्यों उठाई, वो अलग बात है, हो गया वो। ये जो तूफान है ये अभी आया नहीं है, ये आप मत सोचिए कि तूफान आ गया है। तूफान अभी सामने आ रहा है और वो तूफान आर्थिक तूफान है और उससे बहुत सारे लोगों को चोट लगने वाली है।
तो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, मगर जो ऑपोजिशन का काम है, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं, मैं सरकार को कहना चाहता हूं देखिए तूफान आ रहा है, आर्थिक बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है, और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। तो मैं दबाव डालने के लिए कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अगर हम थोड़ा दबाव डालें और अच्छी तरह से समझाएं तो सरकार सुन भी सकती है, और मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अगर सरकार के लोग विपक्ष की बात अच्छी तरह सुने, क्योंकि उसमें थोड़ी सच्चाई है, अगर अच्छी तरह सुने वो तो हमारी बात मान लेंगे, इसलिए मैं दबाव डालना हूं थोड़ा। ऑपोजिशन का काम यही है। मेरा सवाल है कि आप प्रधानमंत्री होते अगर, तो आप तीन कौन से बड़े कदम उठाते जिससे फौरी तौर पर राहत होती और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढा जाता? क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है जो गांव, खेतों और हमारे घर की दहलीजों से रोजगार खत्म कर दिए, मौके खत्म कर दिए और गिनती के कुछ शहर खड़े किए, आइलैंड खड़े किए, जहां रोजगार को लेकर हम भड़कते हैं और पलायन को मजबूर होते हैं, और देश का पूर्वी हिस्सा खासतौर पर बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आते हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ रोजगार क्रिएट होते, तो क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, और वो सरकारें जो आगे ले जा रही थी वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो जिम्मेदार नहीं है? आप देखिए तरीके से अपनी बात रखते रहे। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं तो ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो जब का जवाब नहीं दूंगा, मगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरी क्या सोच है। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए, शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं उनकी आप रक्षा कीजिए, और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये हुई बात शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म की बात जो है, ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं इनको आप सपोर्ट कीजिए, पूरे देश में सपोर्ट कीजिए, और इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 40% रोजगार हिंदुस्तान को दिलवाते हैं, इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे के इनको आप बड़ा कीजिए, और बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार तैयार कीजिए। तो ये ब्रॉडली मैंने आपको बताया, कभी आप मुझसे गहराई में बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे गहराई में बात कर सकता हूं इनके बारे में, बट ब्रॉडली जब कोई घर छोड़ के जाता है तो रोजगार के लिए जाता है, भविष्य के लिए जाता है, अपना भविष्य बनाने के लिए जाता है, तो रोजगार की हमारी एक क्लियर कट नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या महाराष्ट्र जैसे जो बड़े स्टेट से, जैसे कोविड का भी प्रभाव यहाँ पे ज्यादा है, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, इसलिए अपोजिशन पार्टी के तौर पे कांग्रेस कुछ सरकार पे प्रेशर बनाएगी? और दूसरा, क्या अब तक जो मदद सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है उसमें कुछ भेदभाव आपको दिखाई दे रहा है, जैसे भाजपा शासित राज्य की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो नॉन बीजेपी स्टेट से उनके तरफ थोड़ा निगलिजेंस का दौर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसे कुछ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने कहा कि महाराष्ट्र की मदद होनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। महाराष्ट्र सिर्फ एक बड़ा स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र एक यूनिक स्टेट है, क्योंकि महाराष्ट्र एक प्रकार से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सेंटर है। तो महाराष्ट्र को बिल्कुल पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, सब स्टेट्स को मिलनी चाहिए, और जितनी सपोर्ट सरकार स्टेट्स को देगी उतना फायदा होगा, क्योंकि वही स्टेट्स ही डिलीवर कर सकते हैं पैसा, स्टेट्स ही लीड कर सकते हैं, कोविड की लड़ाई को लीड कर सकते हैं। सेंटर का काम मैनेजमेंट का काम है, स्टेट का काम ऑपरेशंस का काम है, स्टेट का काम कोविड को की लड़ाई लड़ने का है, सेंटर का मैनेज करने का है। तो जरूर, मतलब पूरा समर्थन देना चाहिए, और
ये एक कंप्लेंट आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से स्टेट्स को पैसा देना चाहिए वो नहीं कर रही है। उनका देखिए स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है कि नहीं हमें सेंट्रलाइज करके करना है, मेरी सोच है कि सेंट्रलाइज करके बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि स्टेट्स को सपोर्ट देना चाहिए और स्टेट्स के थ्रू काम करना चाहिए। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि विदेशों से आने वाले अधिकांश यात्रियों को मार्च महीने में स्क्रीनिंग से छूट दी गई थी। क्या आपको लगता है कि एक गंभीर चूक थी जिसकी वजह से हम 2 महीने से लॉकडाउन झेलने को मजबूर है और देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई है? इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है इससे लोगों के चेहरे पर तसल्ली और संतोष दिखाई देना चाहिए था, लेकिन बेचैनी और पीड़ा ज्यादा है, क्या वजह इसकी? इसकी वजह यह है कि ये क्रेडिट पैकेज है, इसमें पैसा नहीं है, पैसा डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज इस इमरजेंसी में, इस मुश्किल में पैसा डायरेक्ट जाना चाहिए, बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, किसान के हाथ में जाना चाहिए, मजदूरों के हाथ में जाना चाहिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के हाथ में जाना चाहिए और वो नहीं हुआ है। और इसीलिए ये बातचीत आज हम कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सरकार इसको रिकंसिडर करे क्योंकि इससे नुकसान होने वाला है। जहां तक फिंगर पॉइंटिंग बात है किसने क्या किया वो मैं नहीं करना चाहता, वो आप मुझसे 3-4-5 महीने बाद पूछना। मेरा सवाल माइग्रेंट लेबरर्स से है क्योंकि हमारे स्टेट से लगभग 10 लाख जो रजिस्टर्ड हैं अभी माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि अभी आने को वेट कर रहे हैं। ये जो अभी आने का सिलसिला शुरू हुआ ये आया क्यों सिचुएशन ऐसा? अब हमारे लिए बड़ी चुनौती जो है वो अब इनके स्वास्थ्य को लेकर है कि अगर यहाँ कोरोना गांवों तक फैला तो हमारे पास कैसे हम इन्हें बचाएंगे, पहला सवाल तो ये है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि डीबीटी, हमारे सरकार ने यहाँ से यहाँ जितने भी लेबरर्स हैं उनके फैमिली को 2,000 रुपए ट्रांसफर पर मंथ करने की बात कही है और की भी जा रही है, तो ये जो सिलसिला है ये कब तक अभी चलेगा? आपका क्या नजरिया है जो डीबीटी की बात कर रहे हैं, आप कितने डीबीटी की बात कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं? न्याय योजना का कॉन्सेप्ट हमारा था वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट था और हमने कैलकुलेट किया था बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से वो किया जा सकता था, मगर कोरोना के समय हमने सरकार को एडवाइस किया कि आप टेम्परेरीली 3-4-5 महीने के लिए न्याय योजना जैसा प्रोग्राम 50% लोगों को, सबसे गरीब लोगों को आप डायरेक्ट पैसा दीजिए, आइडिया डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, और ये किया जा सकता है, ये कोई बड़ा बहुत महंगी चीज नहीं है, ये 65-70 हजार करोड़ में ये काम किया जा सकता है, हमने कैलकुलेट किया है। जहां तक रोजगार की बात है, मैंने पहले भी बोला रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पैदा करते हैं और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आज प्रोटेक्शन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। जो समझदारी और होशियारी से जो भी हम स्टेप लें, चाहे वो लॉकडाउन लगाने का स्टेप हो, चाहे वो लॉकडाउन हटाने का स्टेप हो, ये एक इवेंट नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हमें इन चीजों को समझदारी और होशियारी से सोच समझ के करना चाहिए। और मैं आगे की बात कर रहा हूं, अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। देखिए अभी लॉकडाउन को खोलने की बात हो रही है, अगर हमने बिना सोचे समझे लॉकडाउन को खोल दिया नुकसान होगा, मगर खोलना है तो सोच के समझ के लोगों को प्रोटेक्ट करके करना है। माइग्रेंट्स की बात, माइग्रेंट्स को सेफली पहुंचाना था, आज भी वो चल रहे हैं, मैंने सरकार को रेकमेंड किया है कि जल्दी से जल्दी इनकी मदद करके इनको होम स्टेट तक पहुंचाया जाए और फिर इनको टेस्ट किया जाए और इनको सेफली घर पहुंचाया जाए। जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस शासित राज्यों
पर आरोप लगाया कि वो अपने राज्यों में ट्रेनों की आवाजाही को लेकर एनओसी नहीं दे रहे हैं। ये आरोप राज्य सरकारों पर लगाया जा रहा है रेल मंत्री के द्वारा, किस तरह से आप इस आरोप को देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई थी, कांग्रेस पार्टी ने ही कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि पैसा हम देने को तैयार है, तो ये शुरुआत ही हमने की थी। मगर मैं कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आज मजदूर सड़कों पे हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकार घर पहुंचाए। कंक्लूड करने के लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपने रोल प्ले किया है, जो आपने रिस्क लिया है, जो आपने लेबरर्स की बात उठाई है, सड़कों पे आप उतरे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हिंदुस्तान आपको धन्यवाद करता है। नमस्कार।